मैं हूं मिथिका दत्त और आजकल मेरी लीक हो रही है छत। क्या करें, बारिश का मौसम है और वेदर भी ऑसम है। वैसे काफी सारी फेक न्यूज भी लीक हो रही है, पर उस पर एमसी लगाने आया है हमारा ये शो फेक और नॉट। मैं आपसे पूछूंगी पांच सवाल, जवाब सही देने पर आपको मिलेंगे ढेर सारे इनाम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। एक जमाना था जब एप्पल सिर्फ एक फल था, अब एप्पल हो गया है मेहनत का फल। मतलब खूब सारी मेहनत करके अपनी तशरीफ घिस घिस के अगर आपने पैसे कमाए तो शायद आप एक एप्पल का गैजेट खरीदने के लायक बन पाए। शायद कहा जा रहा है कि एप्पल अब भारत आके पैसे सेव कर रहा है और अपने प्रोडक्ट्स यहाँ बनवाने वाला है। क्या ये मुमकिन है? चलिए पता लगाते हैं आज के पहले सवाल के साथ। एप्पल ने पहली बार भारत में अपने प्रोडक्ट्स का टॉप मॉडल बनाया, फेक या नॉट फेक? अगर ये खबर सच है तो कौन है ये टॉप मॉडल? कहीं मिलिंद सोमन तो नहीं? ओके। हाँ, तो मैं कह रही थी, अगर ये खबर सच है तो क्या मैं 500 EMI माँ के कंगन और गणेश की किडनी दिए बिना एक आईफोन खरीद पाऊंगी? ना टिम कुक, ना मत खेलो ऐसे मेरे इमोशंस के साथ। आइए बता ही देती हूँ, ये खबर है नॉट फेक। एप्पल आईफोन 11 बनाया जा रहा है चेन्नई के पास वाले फॉक्सकॉन प्लांट में। ये पहली बार हो रहा है कि एप्पल अपना फ्लैगशिप प्रोडक्ट चाइना की जगह इंडिया में बना रहा है। लगता है इन्हें भी पीएम मोदी का मेक इन इंडिया मेमो मिल गया। अच्छी बात है, स्टीव जॉब्स के सपनों की वजह से चेन्नई की जॉब्स बढ़ रही हैं। लेकिन मेरी तकदीर में सस्ता आईफोन नहीं लिखो। गिरीश को ले आओ यार, उसकी किडनी निकालनी है मुझे अभी, प्लीज। फ्रेंड्स, क्या आपने वो गाना सुना है, हरियाणा उन्ना कुछ भी होता है इन हरियाणा उन्ना? मेरा तो फेवरेट गाना है। दोस्तों, मोस्टली हरियाणा से आई खबरों को सुन के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मगर इस खबर को सुन के आप कहेंगे काश काश मेरे साथ भी ऐसा होता। सुनने में आया है कि हरियाणा की एक छात्र के 10वीं बोर्ड में रिवैल्यूएशन के बाद नंबर 2 से 100 नंबर हो गए। सही सुना आपने, मुझे भी चारू की मासी की बेटी के पड़ोसी के नवासे ने बताया, जिसने खुद भी अभी 10th के एग्जाम्स दिए हैं। अचंभे की बात है ना? चलिए इसकी जांच करते हैं अगले सवाल में। हरियाणा की छात्रा के 10th बोर्ड में रीवैल्यूएशन पर नंबर 2 से 100 नंबर हो गए, फेक या नॉट फेक? मेरे तो अगर कभी 100 आते तो या तो टीचर को हार्ट अटैक आ जाता या टीचर खुद ही रीवैल्यूएट करके मुझे 100 से 2 दे देती। देखिए फ्रेंड्स, ज्यादा चिंता मत कीजिए, मार्क्स मिलना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना मम्मी पापा कहते हैं। मार्क्स मिलने से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है पैसा मिलना, और पैसा मिलने से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कुछ नहीं। तो इस वैल्यूएबल लाइफ लेसन के बाद करते हैं सच का खुलासा। ये खबर है बिल्कुल नॉट फेक। सुप्रिया नामक एक स्पेशली एबल्ड छात्रा को अपने सारे पेपर्स में 90 से ज्यादा मार्क्स मिले, केवल मैथ्स ने उन्हें दगा दे दिया और वहाँ उनके 2 मार्क्स आए। लेकिन वो जानती थी कि कुछ गड़बड़ जरूर है, तो उन्होंने पेपर रीवैल्यूएशन के लिए दे दिए। वहाँ उन्हें पता चला कि पेपर प्रॉपर प्रोसीजर के बिना चेक किए गए थे और फिर उन्हें सही मार्क्स दिए गए। 100 बात की एक बात यही है कि लड़की तो हो गई पास, लेकिन चेक करने वाले हो गए बिल्कुल फेल, वो भी फ्लाइंग कलर्स के साथ। अब मुझे कभी 100 नहीं मिले, लेकिन सच की इस परीक्षा में मैं अपने आप को 100 या 200 मार्क्स देती हूँ। मैं ही अपनी इन्विजिलेटर हूँ, क्या कमाल का काम किया है मैंने। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे फेमस रियल लाइफ इमोजी की, लाफिंग बुद्धा। ये रॉफल यानी कि रोलिंग ऑन द फ्लोर विद लाफ्टर की साक्षात मूर्त हैं। लेकिन सुनने में आया है कि इनका नाम थोड़ा मिसलीडिंग है। कहा जा रहा है कि लाफिंग बुद्धा भगवान गौतम बुद्ध का ही रूप है। कितनी सच्चाई है इसमें, इसका जवाब आप ही देंगे इस अगले सवाल में। गौतम बुद्ध और लाफिंग बुद्धा एक ही है, फेक या नॉट फेक? क्या आपको नहीं लगता कि लाफिंग बुद्धा और गौतम बुद्धा डाइट और एक्सरसाइज का बिफोर एंड आफ्टर फोटो है? मैंने इस लाफिंग बुद्धा को देखकर हमेशा सोचा, क्या क्राइंग बुद्धा, एंग्री बुद्धा और बोर्ड बुद्धा की भी मूर्ति होती है? तो चलिए आपको बता दूं, ये न्यूज है बिल्कुल फेक। जी हाँ दोस्तों, लाफिंग बुद्धा और भगवान गौतम बुद्ध एक नहीं है। लाफिंग बुद्धा भगवान होटेल का एक अवतार है।
जो जापान के 7 गॉड्स ऑफ लक में से एक है। ये मूर्ति इन्हें दर्शाती है एक खुश मिजाज बड़ी तोंद वाले बुद्धिस्ट मंक के रूप में। जापान के पौराणिक कथाओं के अनुसार होटाई एक चाइनीज मंक पुटाई का रूप है, जो अपनी भलाई के कारण बोधिसत्व मैत्रेया का रूप माने जाने लगे और उनके बड़े पेट की वजह से लोग मजाक से इन्हें लाफिंग बुद्धा बुलाने लगे। चार मीनार हैदराबाद का सबसे फेमस स्मारक चार मीनार, जिसका नाम लेकर लोग अगरबत्ती से चावल तक सब बेचते हैं। चार मीनार जिसके बड़े भाई का नाम है कुतुब मीनार, इस शानदार इमारत को कौन नहीं जानता। लेकिन कहा जा रहा है इसे वहां के सुल्तान ने प्लेग खत्म होने की खुशी में बनवाया था। क्या यह सच है या झूठ, आप ही बताएंगे हमें इस अगले सवाल के जरिए। हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण प्लेग के अंत की स्मृति के रूप में कराया गया था। फेक या नॉट फेक, मैं सोच रही हूँ कि हैदराबाद के सुल्तान ने प्लेग खत्म होने पर चार मीनार ही क्यों बनवाया, साथ में एक हॉस्पिटल भी बनवा देते, अगले प्लेग में काम आ जाता। वैसे अगर चार मीनार का नाम लेके कोई पिकल्स बेचे तो उस ब्रांड का नाम होगा अचार मीनार। यू आर वेलकम। अब आपको बता ही दूं कि ये खबर है बिल्कुल नॉट फेक। 1591 में सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार बनवाया था प्लेग के अंत होने की खुशी में। इस शानदार मॉन्यूमेंट के कोनों में चार मीनार हैं, जिसे इससे अपना नाम मिलता है। वैसे मेरे हिसाब से तो इसका नाम होना चाहिए था चार मीनार 100 बीमार। दोस्तों अब बात करते हैं उस देश की जिसकी बुराई करने में तो हमें बहुत मजा आता है, पर जहां माइग्रेट होने के लिए हम मरे जा रहे हैं, अमरीका। सुनने में आया है कि 1950 तक अमरीकी लोग अपने बच्चों को एक पार्सल की तरह पोस्ट में भेज सकते थे। क्या ये सच है या ये है टू गुड टू बी ट्रू, आपको बताना है इस अगले सवाल के साथ। 1915 तक अमरीका में लोग अपने बच्चों को डाक से पार्सल की तरह भेज सकते थे। फेक या नॉट फेक, अब पता चला कि बच्चे पैदा करने को डिलीवरी क्यों कहते हैं। लगता है अमेरिका वालों को अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन नहीं देनी थी, इसलिए तो ये सर्विस चालू की, ताकि जब भी कोई बच्चा अपनी माँ से पूछे मम्मी बच्चे कहाँ से आते हैं, तो वो कह सके पोस्ट ऑफिस से बेटा। जी हाँ, ये न्यूज है बिल्कुल नॉट फेक। 1913 में अमेरिका में पार्सल पोस्ट की शुरुआत हुई थी। इसके जरिए अमेरिका के कोने कोने तक लोगों को अलग अलग चीजें भेजने की सुविधा मिल गई थी। इस सर्विस को देखकर कुछ लोगों ने अपने बच्चों को भी पार्सल करने की कोशिश की। ओहायो के जैसी और मठिल्डा बीगल ने अपने 8 महीने के बेटे जेम्स को उसकी दादी माँ के घर पार्सल करवाया। उस समय पार्सल का सिर्फ एक ही रूल था कि पार्सल 12 पाउंड से कम होना चाहिए। जेम्स का वजन था 11 पाउंड, तो बस 15 सेंट की पोस्टेज स्टैम्प की कीमत पर वो बच्चा दादी के घर पहुंच गया। मगर इसके माता पिता को इसके लिए $50 की इंश्योरेंस भी करवानी पड़ी। और दोस्तों ऐसे ही हुई शुरुआत दुनिया के सबसे पहले ऊबर राइड की। और रास्ते में अगर बच्चे का डाइपर साफ कर दो तो 5-स्टार रेटिंग पक्की। फेक न्यूज के लीक को कर दिया कंट्रोल, मुझे नहीं फर्क पड़ता अगर आप है कोई ट्रोल, क्योंकि सत्यमेव जयते फ्रेंड्स। चलिए चेक कीजिए अपने आंसर्स नीचे स्क्रीन पर बटन दबा के। तो कल फ्लिपकार्ट वीडियो प्रेजेंट्स फेक और नॉट पर फिर मिलते हैं। मिथिका दत्त आउट।